प्रदेश के मंत्री जल शक्ति विभाग एवं संसाधन बाढ़ नियंत्रण लघु सिंचाई नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग डॉक्टर महेंद्र सिंह ने चुर्क मोड़ स्थित सर्किट हाउस में प्रेस प्रतिनिधियों से प्रेस वार्ता करके आगामी 22 नवंबर 2020 को सोनभद्र जिले में होने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के शिलान्यास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शहर के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वादों से हमारे बिंध्य क्षेत्र जो सोनभद्र और मिर्जापुर है, इसके लिए एक बड़ी परियोजना तैयार की गई है। उस परियोजना का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कार्यक्रमों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारत सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और महामहिम राज्यपाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़ेंगी। सोनभद्र की पवित्र भूमि से इसका शिलान्यास किया जाएगा। हमारी 23 परियोजनाएं सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों जिलों को मिलाकर के हैं। सोनभद्र में 14 और मिर्जापुर में 9 परियोजनाएं हैं और इस परियोजना के माध्यम से हर घर जल की योजना को हम लोग साकार रूप प्रदान करेंगे। जितना हमारा क्षेत्र सोनभद्र का और मिर्जापुर का है, सभी मजरे टोले पूर्वे पंचायत और घर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी बहुत बड़ी योजना है। उसी के तैयारी के दृष्टि से कार्यक्रम की तैयारी के दृष्टि से मेरा यहाँ पर आना हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से पानी सभी रोगों का कारण है और जब शुद्ध पेयजल मिलता है तो निश्चित रूप से बीमारियों से छुटकारा मिलता है। व्यक्ति के जीवन में सारी खुशी पानी प्रदान कर सकता है। हम लोगों ने तय किया है कि 2 साल के अंदर अपनी परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे, कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है पूर्ण करके जिन क्षेत्रों की बातचीत आप कर रहे हैं उन सब क्षेत्रों में हम शुद्ध पेयजल पहुंचा पाएं, लोगों को बीमारी से बचाएं और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ बनाएं। सबको घर प्रदान कर दिया गया, सबको बिजली का कनेक्शन दिया गया, सबको गैस का कनेक्शन दिया गया, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया गया, कोरोना में फ्री राशन उपलब्ध कराया गया, गरीब लोगों को कोई कष्ट न हो उनके लिए आर्थिक मदद की गई और इस तरीके से किसानों को किसान सम्मान निधि दिया गया। कितने प्रकार के काम हुए हैं। मोदी जी का और योगी जी का एजेंडा है विकास विकास विकास, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो हम लोग केवल विकास को ध्यान में रख करके और उत्तर प्रदेश भारत का नंबर एक का राज्य बने इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी परियोजना जिसको हम लेकर के आए हुए हैं, इसके लिए मुझको लगता है कि आप सब लोगों को एक बार अपने तरफ से भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हमारा एक काम है कि जल संचयन, जल संवर्धन और शुद्ध जल लोगों के घर तक पहुंचाना। उसकी एक बृहद कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं, चेक डैम के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, नदियों के जीर्णोद्धार के माध्यम से, वृक्षारोपण के माध्यम से, पुराने कुएं के जीर्णोद्धार के माध्यम से, इन सब चीजों को लेकर के हम लोग जल संचयन जल संवर्धन में एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जितने भी स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज एनी टाइप ऑफ कॉलेज जितनी सरकारी बिल्डिंगें सब जगहों पर कैसे लगे, ज्यादा से ज्यादा बरसात का पानी शुद्ध करके पाताल में कैसे पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम इसकी बृहद कार्य योजना लेकर के लोगों के बीच में आएंगे और निश्चित रूप से जो हमारे डार्क जोन है, जो क्रिटिकल है, सेमी क्रिटिकल है, उसको सेफ जोन में लाने की कोशिश करेंगे। सोनभद्र की इकलौती नगर पालिका है, सोनभद्र की इकलौती नगर पालिका है जहां 20 वर्षों से लगातार सजौर ग्राम पंचायत में पानी गिराया जा रहा है गंदे पानी को। आज ग्रामीण पूरा 20 वर्षों से गंदा पानी पीने को विवश है। आपने बात के संज्ञान में लाए हैं, मैं जरूर अपने नगर विकास के जो मंत्री हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वहां पर कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगे उसकी व्यवस्था सुनिश्चित हो, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा। जल परियोजना से जोड़ेंगे, सब जगहों पर शुद्ध पेयजल देना सरकार का काम है, वो करने जा रहे हैं। इस योजना से कितने गांव जुड़ेंगे या कितने ग्रामीणों को लाभ होगा? देखिए, पूरे सोनभद्र के सभी गांव जुड़ेंगे, 637 ग्राम पंचायतें हैं, उनके सबके पूरे एरिया को जोड़ेंगे हम लोग और इसी तरीके से मिर्जापुर को जोड़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग आभारी हैं, वो सभी पंचायत मजरे टोले को जोड़ करके इसकी स्कीम को बना रहे हैं और हम लोग सरफेस वाटर से पानी देने जा रहे हैं जो सबसे शुद्ध पेयजल होता है, उसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। सर, चर्चा ये भी है कि जैसे पंचायत चुनाव के पहले इतनी तेजी जो दिखाई जा रही है, क्या उससे मतलब प्रभाव है? इतने सारे काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेकर के हो रहा है
सबको घर प्रदान कर दिया गया, सबको बिजली का कनेक्शन दिया गया, सबको गैस का कनेक्शन दिया गया, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया गया, कोरोना में फ्री राशन उपलब्ध कराया गया, गरीब लोगों को कोई कष्ट न हो उनके लिए आर्थिक मदद की गई और इस तरीके से किसानों को किसान सम्मान निधि दिया गया। कितने प्रकार के काम हुए हैं। मोदी जी का और योगी जी का एजेंडा है विकास विकास विकास, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो हम लोग केवल विकास को ध्यान में रख करके और उत्तर प्रदेश भारत का नंबर एक का राज्य बने इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी परियोजना जिसको हम लेकर के आए हुए हैं, इसके लिए मुझको लगता है कि आप सब लोगों को एक बार अपने तरफ से भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहिए। और आप भी यहां के रहने वाले हैं, कितनी बड़ी समस्या पानी की है जिसको आप हम लोग पूरी तरीके से समाधान करेंगे और हर घर को जल से नल से जल देंगे। मोदी जगह से ये उसका उद्घाटन हो रहा है समारोह में बांध से, तो डंगरोल बांध से जहां से शुरुआत हो रही है उसी को खास हो जाए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पेयजल योजनाएं सब जगह से बनी थी और ये हुआ था कि थोड़ा प्रधानमंत्री जी को जुड़ना है तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम कहीं ना होने पाए तो शहर के थोड़ा जो नजदीक हो, जैसे यहां से उसकी दूरी शायद 1500 किलोमीटर है, तो ये ध्यान में रखते हुए। बाकी तो हमारे लिए सब योजनाएं महत्वपूर्ण है और सभी योजनाएं बड़ी हैं, तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि यहां से करेंगे। किसी एक स्थान से करना था, एक स्थान में वो स्थान चुन लिया गया, ऐसा कोई विषय नहीं है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।